vlog. So this vlog is going to be about one of the greatest Sundays here in Manipal, hopefully, because I have something very special to do on Sunday. But before I tell you that, let me tell you, it's 5:36 in the morning, and I'm going to take bath and come back and tell you what is so special about this day. So yes, I'm all ready, and I think this was the quickest bath I've taken ever in my life. So yes, it's almost 5:45 in the morning, and I'm all done. I have to leave because we are going with the club Fitvib to the beach for yoga, and it's like a yoga session which had to be conducted in the morning, and we have to leave by 6. So I'll just leave. I'll show you the view from my window before leaving, because it's so much in the morning and I've never woken up so early. Look at this. I think you are just able to look at me. Dekho kitni subah hai. So it's 5:56 and I have left, although I have to reach at 5:45, but it's okay. So yeah, actually it's 6 now, and this event is organized by one of the clubs of our college, that is Fitvib. और ये बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं. मैं कभी ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती हूँ किसी भी क्लब में, बट दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग. और हम निकल चुके हैं कैंपस से, एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स पडुबिद्री बीच, विच इज़ नोन फॉर इट्स क्लीनलीनेस, इट्स फ्रेश एयर, एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी लेस क्राउडेड बीच. मैं बीचेस पे तो बहुत बार जा चुकी हूँ मणिपाल में, बट इतनी सुबह मैं पहली बार बीच पे आई हूँ, और इतना फ्रेश और इतना अच्छा फील हो रहा था. इट वॉज सो पीसफुल. आई होप आप इन लहरों की आवाज़ें सुन सकते हैं. सो रिलैक्सिंग. So everyone's ready with their mats, and also our yoga teacher, she was getting ready with her equipment, and also I was setting up my camera for the vlog, and there we go. We are already done and so tired by this time. So yes, we are done with the session, और अब हम पानी में थोड़े मजे करेंगे. कैसा लगा स्नेहा तुम्हें? मैं और मेरे दोस्त निकल गए हैं कैंपस के लिए. हम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से जाने वाले हैं, बिकॉज कैंपस से जो बस आई थी उसमें जितने भी लोग थे वो रास्ते में ही कहीं ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक गए. बट एज प्लान्ड हम लोग जाने वाले हैं मेस, एंड वी आर गोइंग टू हैव द संडे डोसा, विच इज वेरी वेरी यमी. अब टाइम है
क्योंकि पूरी सैंड लग गई है मेरे लोअर पे और बहुत गर्मी भी लग रही है. सो लेट्स गो. तो अब मैं अपने रूम में वापस आ गई हूँ एंड इट्स ऑलरेडी 10 इन द मॉर्निंग एंड अब मैं जाके नहाऊंगी और फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे बिकॉज वी हैव टू मेक अ संडे प्रोडक्टिव बिकॉज सितंबर में पेपर आ रहे हैं. एंड ऑल्सो दिस वॉज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. मतलब अगर मेरे को फिर से मौका मिलता है ना, आई विल डेफिनेटली गो. एंड इट वॉज वर्थ इट. मतलब इट वॉज वर्थ वेकिंग अप इन द मॉर्निंग बिकॉज आई रेयरली वेक अप सो अर्ली लाइक इन एट 5 इन द मॉर्निंग. बट इट वॉज वर्थ. बहुत ज़्यादा मज़ा आया. एंड यू नो वन थिंग विच आई लव इज़ इंटरेक्टिंग विद मोर पीपल. और वहाँ पर मुझे इंटरेक्शन की एक नई जगह मिली. मतलब क्लास में तो हम मिलते ही हैं दोस्तों से, बट दिस वॉज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. एंड ऑल्सो जो सब बच्चे जो सब स्टूडेंट्स सब ज्वाइन कर रहे हैं KMC को, आई वुड सजेस्ट यू टू पार्टिसिपेट इन एवरी सच थिंग. इवन दो आई अंडरस्टैंड लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ बर्डन, अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ स्टडीज, बट कीप पार्टिसिपेटिंग इन सच थिंग्स, इट मेक यू हैप्पी. सो मीट यू सून. सो वेलकम बैक आफ्टर अ 2 आवर नैप. पता नहीं 2 आवर वाले नैप को नैप कहते भी हैं कि नहीं. मे बी दिस क्रॉसेज द ड्यूरेशन ऑफ नैप. एनीवेज, मैं पढ़ने से पहले अपनी नींद ज़रूर पूरी करती हूँ बिकॉज तब मेरे से पढ़ा नहीं जाता अगर मैंने अपनी नींद नहीं पूरी की होती है. और मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मैं एंग्जाइटी में पढ़ना शुरू कर देती हूँ ऑल्दो मेरी नींद पूरी नहीं हुई होती है, लेकिन फिर उस ड्यूरेशन ऑफ स्टडिंग में मेरे कुछ गेन भी नहीं होता है. लेकिन आज मैंने सोच लिया था क्योंकि मैं लेट सोई थी एंड आई वोक अप एट अराउंड 5:30 एज अ टोल्ड यू पीपल. और फिर उसके बाद हम योगा के लिए चले गए थे और 10 बजे के करीब हम वापस आए थे ब्रेकफास्ट करके. तो मुझे बहुत नींद आ रही थी. सो आई स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग एंड माई सेशन इज गोइंग टू बी ऑफ 3-4 आवर्स एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो शाम का टाइम यूजुअली मैं और मेरी दोस्त इकट्ठे बिताते हैं. हम बना रहे हैं कुकर वाली मैक्रोनी. दिस इज आवर डाइनिंग टेबल जहाँ पर हम बैठ के खाते हैं विद अ वेरी गुड व्यू. सो अभी इट्स ऑलरेडी 9:30 एंड अब तक हम पढ़ रहे थे. अब हम नीचे जाएंगे थोड़ी देर वॉक करने के लिए एंड देन आई विल कम बैक और थोड़ी सी एडिटिंग करूँगी एंड देन आई विल बी टाइम टू स्लीप. सो लेट्स गो. सो मैं नीचे आ गई हूँ NIH के क्योंकि अभी हम सब दोस्त वॉक करने के लिए निकलेंगे. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम. सो एज सून एज दे अराइव हम निकल जाएंगे वॉक के लिए और हम एक लंबी सी वॉक करके वापस आएंगे. ये लड़की ब्लॉग में डालेगी. सो आई एम बैक टू द रूम वॉक करने के बाद. हम वॉक करने गए थे लेकिन रास्ते में हमने पानी पूरी खाई, स्वीट कॉर्न्स भी खाई. बहुत मज़ा आया. इट वॉज अ फन वॉक. मतलब हम यूजुअली रात को निकल जाते हैं पढ़ने के बाद, फिर 1 घंटा वॉक करके हम पूरा कैंपस का राउंड लगा के वापस आ जाते हैं. एंड अब मैं बैठ के 15-20 मिनट वीडियो एडिट करूँगी और जल्द ही दिस वीडियो इज़ गोना रीच यू पीपल. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.